मानसून के मौसम में एक चीज जो बहुत जरूरी हो जाती है वह है छाता। यूं तो बारिश से बचने के लिए कई प्रकार के छाते बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन आज हम जिस खास छाते का जिक्र करने जा रहे हैं वह है कार्थुम्बी छाता। केरल के पलक्कड़ जिले के अट्टापड़ी में आदिवासी महिलाओं द्वारा तैयार कार्थुम्बी छाता आदिवासी संस्कृति और परंपरा के ताने बाने में बुनी हुई है, जो न सिर्फ बारिश से बचाने का काम कर रही है बल्कि भारतीय संस्कृति को संरक्षित भी कर रही है। ये छतरियां बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगी हैं। मन की बात के 111वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की कार्थुम्बी छतरियों का उल्लेख किया और बताया कि ये क्यों खास है। ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं और खासियत ये इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाली वट्टाल की सहकारी कृषि सोसाइटी ने करीब 10 साल पहले इन छतरियों का निर्माण शुरू किया था। विभिन्न आदिवासी गांवों की करीब 750 महिलाओं को छतरियां बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। स्थानीय पहल के रूप में शुरू की गई यह पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर चुकी है और आय का एक व्यवहार्य स्रोत बन गई है। कार्थुम्बी छतरियां अब पूरे भारत में खुले बाजार और ऑनलाइन माध्यमों पर उपलब्ध हैं। सोसाइटी ने बांस आधारित हस्तकला इकाई की भी स्थापना की है। इसका उद्देश्य न केवल छाते और अन्य उत्पाद बेचना है बल्कि आदिवासी समुदाय की परंपरा और संस्कृति को पूरी दुनिया से परिचित कराना भी है। कार्थुम्बी छाता महज एक सहायक वस्तु नहीं है, यह महिला उद्यमिता की सफलता की कहानी है और वोकल फॉर लोकल का एक प्रेरक उदाहरण है।